बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर में फायर की। एलपीजी सिलेंडर में अगर फायर हो जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, आपको जब भी आग लगे एलपीजी सिलेंडर के अंदर, आपको एक गीला कपड़ा या फिर टॉवल या चद्दर आपको लेनी है, और उसको पकड़ने का तरीका, आपके हाथ बाहर नहीं होने चाहिए, आपके हाथ अंदर होने चाहिए। आपके हाथ अगर अंदर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल तरीका है, ये काम हो गया एलपीजी फायर के ऊपर। कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको रैप करना है, रैप करने के बाद नॉब को बंद करना है। कोई नहीं है कि फायर एलपीजी सिलेंडर के अंदर इसी तरीके से लगे, कभी कभार होता क्या है फायर पाइप के अंदर भी लग जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। इस केस के अंदर आपको इस नॉब को, जो रेगुलेटर एक नॉब है, उसको आपको बंद कर देना है। मगर कभी कभी होता क्या है, एलपीजी सिलेंडर आपकी पहुंच से दूर होता है, तो उस केस में आपके पास एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है? आप उस केस में पाइप को मोड़ सकते हैं। पाइप को अगर आप जैसे ही आप मोड़ेंगे, एलपीजी सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। इस केस के अंदर आप अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर को और अपने प्रिमाइसिस को बचा सकते हैं। नहीं है कि फायर फाइटिंग करने के लिए आपको कपड़ा ही चाहिए हो, कभी कभार कपड़ा घर पे नहीं मिलता, टॉवल नहीं मिलता या फिर किसी और तरह की चद्दर नहीं मिलती। सो इस केस में आपके पास एक और तरीका है, आप एक एम्प्टी बकेट लेकर आइए जिसके अंदर पानी ना हो। पानी के साथ कोई जरूरत नहीं है, आपको एम्प्टी बकेट को सिलेंडर की नॉब के ऊपर तेज हिट करना है, ऐसे। इतना करते ही आग बुझ जाएगी। करना क्या है, और नॉब को बंद कर दो। बंद करने के साथ ही आग बुझ जाएगी। कभी कभार आपने देखा होगा घर में खाना बनाते टाइम, छौंक लगाते टाइम, तड़का लगाते टाइम कढ़ाई के अंदर आग लग जाती है। कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको करना क्या है उस टाइम पे? मान लीजिए कि इसके अंदर आग लग गई है खाना बनाते टाइम, आपको एक गीला कपड़ा करके निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद आपको हमेशा, जब भी आपको आग से और कपड़े के बीच में कॉन्टैक्ट करना है, तो आपको अपना हाथ पीछे रखना है। पीछे रखने के साथ साथ होगा कि आपके हाथ पे आग का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस केस में आपको करना क्या है, पास जाकर इसको ढक देना है। ढकने से होगा क्या, हवा की सप्लाई कट हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तुरंत बाद आपको कपड़ा नहीं हटाना है जब तक उसमें से धुआं निकलने ना लग जाए। अगर आप तुरंत हटाएंगे तो आग दोबारा से लग जाएगी और आसपास की चीजों को अपनी चपेट में ले सकती है। सो अब आप देख सकते हैं कि आग बुझ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि ब्रांचेस में हमारे पास अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर लगे हैं। कुछ हमारे एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी हैं, एबीसी पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है हमारे पास वाटर CO2, तीसरा है हमारे पास CO2 गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है, कभी भी तेल में लगी हुई आग के ऊपर पानी नहीं डालना है और बिजली से लगी हुई आग के ऊपर भी पानी नहीं डालना है। कुछ भी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है। तो ये दो काम आपको किसी भी कीमत पे नहीं करना है। सबसे पहला एक्सटिंग्विशर है हमारा एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हमारे पास प्रोसीजर है पास का। पास मतलब PASS। इसके अंदर क्या करना है, हमें एक आगे सील लगी हुई है, इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये टूट जाएगी। टूटने के बाद हमें पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर। हमें एम करना है जिस चीज में आग लगी है उसकी तरफ, ना कि लपटों की तरफ। उसके बाद हमें इस लीवर को स्क्वीज करना है, दबाना है और स्वीप, आपको झाड़ू लगानी है इससे। मतलब क्या है, अगर आप इसको एक पॉइंट पे रखेंगे तो फायर फाइटिंग नहीं हो पाएगी। आपको इसको घुमाना है ताकि पाउडर जो इसका डिस्चार्ज है वो सारा का सारा हर जगह पे जाए। आपने देखा अब आग बुझ चुकी है। चलिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के एक्चुअल ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। इसको चलाने का तरीका यही है, आपको एक पिन बाहर निकालनी है, इस व्हील को आपको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है और जिस चीज में आग लगे उसकी तरफ इसको पॉइंट करना है। और पॉइंट करने के बाद जैसे आप इसको रोटेट कर दें, आप आग की तरफ बढ़कर इसको डाउज कर सकते हैं।
है हमारा वाटर CO2। इस एक्सटिंग्विशर के अंदर सिर्फ पानी है, साथ में एक गैस कार्ट्रिज है जो प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको चलाने का ऑपरेशन, आपको सबसे पहले क्लिप को बाहर निकालना है। कभी भी इस एक्सटिंग्विशर को आपको अपने मुंह के कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है, आपको हमेशा इसको थोड़ा आगे धकेलना है और उसके बाद जिस चीज में आग लगी उसकी तरफ पॉइंट करके इसको अपनी हथेली से पंच करना है। तो उसको चला के देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते होगा पानी इसमें से बाहर निकलने लग रहा है, जो कि आपके इक्विपमेंट को खराब कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,